काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जब उन्हें MBBS में सीट नहीं मिलती है या फिर जो डिज़ायर्ड कॉलेज है वो नहीं मिलता है, वो जाते हैं ऑल्टरनेटिव कोर्स की तरफ, और उनमें से एक कोर्स है वो है BDS का। अब इंडिया में ये बोला जाता है कि BDS वाले स्टूडेंट्स डॉक्टर नहीं होते, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जाइए हमारे चैनल पे जाके देखिए, हमने काफ़ी सारे डॉक्टर्स का इंटरव्यू लिया है, पर्सनली मैंने भी लिया है, और उनका ये कहना है कि BDS एक लुक्रेटिव नहीं तो एक अच्छा करियर ऑप्शन है। और जब आप प्राइवेट क्लिनिक ओपन करते हैं BDS का, या फिर किसी हॉस्पिटल के साथ एसोसिएट होकर एज अ डॉक्टर वर्क करते हैं, तो आपके पास एक अच्छा करियर ऑप्शन हो जाता है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं BDS के बारे में, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि स्टूडेंट्स को नहीं पता होती, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कट ऑफ क्या जाने वाला है इस साल का। ऑल इंडिया कोटे से मैं बात करूँगा, ऑल इंडिया से। यहाँ पे अब आपको एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी कि जो BDS की काउंसलिंग है वो बॉडी है MCC की, जो ऑल इंडिया लेवल पे काउंसलिंग कराएगी BDS की, और ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं स्टूडेंट्स को नहीं पता होती, और उसकी लैक ऑफ इंफॉर्मेशन से स्टूडेंट्स गलतियाँ करते हैं, तो मैं उसका भी सॉल्यूशन बताऊँगा कि आप कैसे उन छोटी छोटी गलतियों से बच सकते हैं। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको अगर काउंसलिंग करनी है तो काउंसलिंग आप करिए थ्रू स्मार्ट काउंसलिंग टूल्स, बिकॉज स्मार्टली अगर आपने डेटा एनालाइज किया और उस एनालिसिस के बेसिस पे अगर प्रॉपर रिसर्च हुई तो आपको एक अच्छा ऑप्शन मिल सकता है। तो आप जाइए इस QR कोड को स्कैन करिए और फाइंड आउट करिए कि आपके पास जो भी रैंक आई है उसमें क्या क्या ऑप्शंस आपके आ सकते हैं। अब अगर मैं सबसे पहले डिस्कस करूँ BDS का स्टेटस, सीट डिवीजन की अगर मैं बात करूँ, ये सीट डिवीजन मैंने पिक किया है 2023 का, 24 का डेटा अभी अपडेटेड नहीं है, जैसे ही आएगा चैनल पे आपको वो मिल जाएगा, तो मेक श्योर करो कि चैनल सब्सक्राइब करके रखना। अब अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट कॉलेज, तो लगभग 50 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं BDS के, ऑल इंडिया लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे सीट्स हैं 3513 ही सीट्स हैं BDS की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में। और अगर मैं प्राइवेट की बात करूं तो प्राइवेट में आपके पास 263 कॉलेजेस हैं, और जिसमें सीट्स हैं लगभग 23,260, जो कि ऑलमोस्ट हाफ है MBBS का, जो कि है ऑलमोस्ट हाफ MBBS के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस का। लेकिन अगेन वो कंपैरिजन हमें करने की ज़रूरत नहीं। तो ओवरऑल आप देख सकते हो कि 313 कॉलेजेस हैं और 26,773 सीट्स हैं अप्रॉक्स सीट्स बात करूँ। अगर कोई अपडेट हुआ होगा या फिर कोई न्यू कॉलेज आता है तो ऑब्वियसली बात है एडिशन और सब्ट्रैक्शन होना वाजिब है। तो हम अगर बात करें, ये जो सीट्स हैं ये आपको मिलेंगी थ्रू एमसीसी की काउंसलिंग। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को हर साल कन्फ्यूजन होता है, उन्हें लगता है MBBS की काउंसलिंग सेपरेट होती है जैसे कि आयुष की काउंसलिंग सेपरेट होती है। हाँ, लेकिन BDS की जो काउंसलिंग होती है वो MBBS के साथ क्लब होके होती है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। आपको कोई सेपरेट काउंसलिंग प्रोसेस में नहीं बैठना है, आपकी जो प्रोसेस होगी वो करवाई जाएगी थ्रू MCC। अब अगर मैं बात करूं जो टॉप कॉलेज जो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मांगते हैं या फिर प्रायोरिटी में रहते हैं, ये सारे के सारे गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस हैं। अब यहाँ पे ऑब्वियसली बात है, अगर मैं रैंक वाइज करूँ तो यहाँ पे स्टूडेंट्स की प्रेफरेंस ऑब्वियसली बात है पहला रहती है मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस न्यू दिल्ली। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं सब्सिक्वेंटली रैंक में स्टूडेंट्स का प्रेफरेंस इन इंस्टीट्यूशंस के लिए रहता है। क्या लिस्ट पूरी है? नहीं, हमने यहाँ पे अराउंड 8 कॉलेजेस को पिक किया है, और भी कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। फिर अगर मैं बात करूँ कट ऑफ की, तो 2024 में क्या कट ऑफ जा सकता है BDS का, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस देख रहे हैं, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस प्लान कर रहे हैं तो BDS का कट ऑफ क्या जा सकता है? लास्ट ईयर का एनालिसिस अगर हम देखें, यहाँ पे ये ऑल इंडिया कोटे पे हमने रैंक निकाला हुआ है, तो लास्ट ईयर आप देख सकते हैं लगभग ST कैटेगरी में 3,04,000 पे क्लोज हुआ था, SC कैटेगरी 2,15,000 पे क्लोज हुआ था, EWS, OBC और ओपन कैटेगरी। नाउ MBBS की अगर मैं बात करूँ तो यूजुअली OBC और EWS ऑलमोस्ट सिमिलर चलते हैं, लेकिन हाँ
BDS में स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। अब अगर मैं बात करता हूँ ST कैटेगरी के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ, तो ST कैटेगरी के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमारी तरफ से अराउंड 3,05,000 पे क्लोज हो जाएगा। ये मैं अगेन गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ थ्रू ऑल इंडिया कोटा, यहाँ पे मैं कोई स्पेशल कोटे की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कोई स्पेशल कोटे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको वो भी शो करूँगा। फिर अगर मैं बात करूँ SC कैटेगरी की, तो SC कैटेगरी 2,16,000, अगेन रीज़न इसका यह है, हमारा एनालिसिस ये बोलता है क्योंकि यहाँ पे रैंक इन्फ्लेशन हुआ है, काफ़ी सारे बच्चों की बहुत ज़्यादा रैंक आई है, तो हो सकता है बहुत सारे बच्चे अब इस साल MBBS नहीं तो BDS की तरफ बढ़े, स्पेशली गवर्नमेंट कॉलेजेस की तरफ। फिर अगर मैं बात करूँ EWS कैटेगरी, तो लगभग 69,000 हमारा एक्सपेक्टेशन है। OBC की बात करें तो 81,000 एक्सपेक्टेशन है, और अगर मैं बात करूँ ओपन कैटेगरी की, तो लगभग 70,000 हमारा एक्सपेक्टेशन है। और आप देख रहे हैं कट ऑफ ज़्यादा नहीं नीचे गया है, ये हम ऑल इंडिया लेवल पे बात कर रहे हैं, ये हम ऑल इंडिया लेवल पे बात कर रहे हैं। अब काफी सारे स्टूडेंट्स को एक कंफ्यूजन होता है, उन्हें लगता है कि 3,00,000 की रैंक पे हमें एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है, 3,00,000 की रैंक पे हमें एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है। और उन्होंने मुझे दिखाया भी है कि सर 3,00,000 की रैंक पे किसी को MAMC मिल गया, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, और वो भी MBBS के लिए, मैं BDS की बात ही नहीं कर रहा हूँ। अब ये कैसे पॉसिबल है, टॉप लेवल का कॉलेज 3,00,000 की रैंक पे कैसे मिल रहा है? जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है कोटा का, चलिए मैं आपको उसके बारे में शो करता हूँ। यहाँ पे हम आते हैं हमारे स्मार्ट काउंसलिंग टूल्स की तरफ, और यहाँ पे हम आते हैं अपने ऑल इंडिया BDS प्रेडिक्टर में 2024 का। मैं इस पर क्लिक करूँगा, और जैसे ही मैंने क्लिक किया, आप देख सकते हो यहां पे जो कोटा है, आप देखिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कोटा, ऑल इंडिया कोटा, डीम्ड पेड सीट कोटा, दिल्ली NCR चिल्ड्रन, विडोज ऑफ पर्सनल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस का कोटा है स्पेशल, दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटा, ESIC कोटा, IP यूनिवर्सिटी, जैन माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी, मुस्लिम OBC कोटा, फिर आप देखते हैं मुस्लिम ST कोटा, मुस्लिम वुमेन कोटा, NRI कोटा, NRI फॉर AMU कोटा, ओपन सीट कोटा। तो आपको एक चीज़ ये समझनी है कि आपको काउंसलिंग के प्रोसेस के टाइम पर ये जो कोटा अवेलेबल हैं इन्हें सही तरीके से अप्लाई करना है, काउंसलिंग के टाइम पे आपको इन्हें सही तरीके से अप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि अगर आपने गलत कोटा चूज़ किया तो आपको प्रॉपर कॉलेज नहीं मिलेगा। मैं आपको शो कर देता हूँ, यहाँ पे मैं आता हूँ, मैं एक रैंक पुट करता हूँ लगभग 3,00,000 का, हाँ ये मैंने 3,00,000 का रैंक पुट किया है। कैटेगरी मैं चूज कर लेता हूँ ओपन, और कोटे में कर देता हूँ मैं अभी ऑल इंडिया, और करता हूँ प्रिडिक्ट, देखते हैं क्या ऑप्शंस हमारे पास आ रहे हैं। तो हमारा जो स्मार्ट काउंसलिंग का टूल है उसने ये बताया कि नो कॉलेजेस फाउंड, इसका मतलब सिंपल सा ये है, वो ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि लास्ट ईयर 2023 के डेटा के बेसिस पे कोई कॉलेजेस अलॉट नहीं हुआ था, तो हम आपको शो नहीं करते। लेकिन चलिए अब मैं यहाँ पे अगर कोई स्पेशल कोटा लगाता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे मैं कोटा लगा देता हूँ दिल्ली NCR विडोज ऑफ पर्सनल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, यहाँ पे भी आपको कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। फिर अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ जैन माइनॉरिटी कोटा, आप देख रहे हैं जैन माइनॉरिटी कोटा में आपके पास BDS के कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, हालांकि गुजरात स्टेट में आ रहे हैं। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये समझनी पड़ेगी कि राउंड वाइज आप देखिए किस राउंड पे वो पर्टिकुलर कॉलेज क्लोज हुआ, KM शाह डेंटल कॉलेज। तो हमें ये चीज समझनी पड़ेगी कि हमें राइट कोटा का यूज करना है, तो हमारे पास ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं, आप कैटेगरी देखिए, स्टेट तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो रही है, लेकिन आप देख सकते हैं कि स्पेशल कोटा जब अवेलेबल हुआ तो यहाँ पे उनके पास वो ऑप्शंस ओपन हो गए। तो आपके पास इन कोटा की इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ भी आती हैं, BDS की अगर मैं बात करूं, अगेन इनमें भी एडमिशन प्रोसेस थ्रू
एमसीसी की काउंसलिंग के थ्रू ही होता है, प्रोसेस थ्रू एमसीसी की काउंसलिंग के थ्रू ही होता है। अब यहाँ पे हमने कोई रैंक स्पेसिफाई नहीं किया है कि ये वाला कॉलेज नंबर वन है या फिर ये वाला कॉलेज नंबर वन है या फिर ये वाला कॉलेज नंबर वन है, लेकिन हाँ अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स का एक सर्टेन ऑर्डर होता है, जिस चॉइस प्रेफरेंस से वो कॉलेजेस को फिल करने की कोशिश करते हैं या फिर उनकी चाहत होती है कि हमें ऐसा कॉलेज या फिर हमें ये कॉलेज चाहिए। लेकिन आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी, जैसे MBBS में सीट्स डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस ज़्यादा होती है, BDS का भी सेम ही सिचुएशन है गवर्नमेंट कॉलेजेस के कंपैरिजन में। अब मैं आपको एक चीज़ जो बता रहा था बार बार, कोटा का या फिर प्रोसेस का, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को प्रोसेस भी नहीं पता होता है BDS की काउंसलिंग का, तो हमने क्या किया है, हमने एक ई बुक डिज़ाइन करी है, एमसीसी काउंसलिंग हेल्प बुक फॉर BDS, सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जो BDS की काउंसलिंग करना चाहते हैं, ये ई बुक हमने आपके लिए डिज़ाइन करी है। अभी हमने इसका प्री ऑर्डर लॉन्च कर दिया है, जब आप इसे परचेस करेंगे तो इसका प्राइस अभी 299 का है जो कि इंक्रीज़ हो जाएगा। इसमें मैं आपको बता देता हूं कि आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। ये हमारी ई बुक रहेगी कुछ इस तरीके से, इसमें पूरा गाइडेंस मिलेगा आपको, ठीक है, पूरा काउंसलिंग के हिसाब से कि काउंसलिंग क्या होती है, काउंसलिंग प्रोसेस क्या होती है, एमसीसी का क्या रोल है, स्टेट काउंसलिंग, काउंसलिंग फॉर सेंट्रल पूल कोटा, नीट यूजी काउंसलिंग अथॉरिटी, फिर इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स हो गया, इंपॉर्टेंट डेट्स हो गया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, ऑल इंडिया कोटे से BDS का कट ऑफ क्या हुआ, चॉइस लिस्ट आपको क्या पुट करनी है, BHU AMU हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर IP इंटरनल कोटा हुआ, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होगा, फ्लो चार्ट क्या बनाना है आपको, ये सारा का सारा प्रोसेस, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको इस ई बुक के अंदर मिल जाएगी। चॉइस लिस्ट 2024 में क्या रखनी है, 2023 में क्या रखी थी, मार्क्स वर्सेस रैंक, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो अगर आप चाहते हो कि एक ऑफर आप अवेल करना चाहते हो अर्ली, तो जाइए आप 299 में इस ऑफर को अवेल करिए, जैसे ही ये ई बुक पूरी की पूरी रेडी हो जाएगी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट विथ नो एडिशनल चार्जेस आपको ये ई बुक मिल जाएगी, जिसका यूज करके आप BDS की काउंसलिंग प्रॉपरली कर लेंगे। क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन की कमी होने की वजह से स्टूडेंट्स बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाते, तो होपफुली सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई होगी BDS के कट ऑफ में और क्या एक्सपेक्टेशन है हमारी। लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हो कि आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिले, 1-to-1 मेंटर आपके साथ बैठे, या फिर अगर आप कंफ्यूज हो कि आपके पास और ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चाहते हो या फिर क्या MBBS में कोई ऑप्शंस आपके पास आ सकते हैं, तो उसके लिए आप जाइए, इस QR कोड को स्कैन करिए, हमारी टीम से डिस्कस करिए कि कैसे हम आपको गाइड कर सकते हैं और कैसे हेल्प कर सकते हैं एक ड्रीम कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पे चल के डॉक्टर बनना आपका। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, फॉर मोर सच वीडियोस कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।